दोस्तों हम आ चुके हैं एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो में। सो, आज की वीडियो में जैसे कि आपको लास्ट टॉपिक पता ही था कि हमको मिले थे डायमंड्स, तो आज हमें उसकी बनानी है। ये 6 डायमंड्स मिले थे और आज हमें उसकी बनानी है एनचाइंटमेंट टेबल। तो अभी एनचाइंटमेंट टेबल बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए तो अभी चेक करेंगे। और अभी चैनल पे नहीं है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो बिना देरी के। तो अभी जल्दी से करते हैं काम शुरू, तो जल्दी से आ जाते हैं FPP मोड में। तो अभी हम क्या करने वाले थे, स्टिक्स ले लेते हैं पहले। स्टिक्स नहीं पहले तो, अरे मेरे पे है भाई, है मेरे पे तो है, मैं क्यों आया यहाँ पे। तो अभी जल्दी से बना रहे हैं अपनी डायमंड पिकैक्स गाइस, अपनी फर्स्ट डायमंड पिकैक्स बनाने वाले हैं। तो बन चुकी है, अभी जल्दी से टीवी वो दूसरे मोड पे आते हैं। ओ भाई क्या ही लग रही है बैडेस्ट। देखो गाइस, तो हमारी अब इससे हम माइन कर पाएंगे ऑब्सिडियन और अपना नेदर पोर्टल अगले पार्ट्स में खोलेंगे। ओके गाइस, अगले पार्ट में नेदर पोर्टल खोलेंगे। तो अभी तो हमें ऑब्सिडियन लेने जाना था, तो अभी पहले देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। वो इतना तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, पर लेकिन पूरा याद नहीं है। तो अभी देख लेते हैं कि क्या सामान चाहिए होगा एरियन चैन में। ओके, 4 ऑब्सिडियन और 2 डायमंड तो है मेरे पे और बुक बनानी है। तो सबसे पहले ऑब्सिडियन लेने चलते हैं जहाँ पे डायमंड मिले थे। तो ये ले लिए मैंने सारे, टाइम वेस्ट नहीं कराते अपनी पब्लिक का। तो अभी देखो गाइस, तो 4 5 हो चुके, जितने भी हैं पता नहीं, 4 है भाई, हाँ 4 ही हैं। तो जो अपना पोर्टल होगा ना, मेरा पोर्टल वो बाद में कर लेंगे। तो अभी मैं पेपर के लिए शुगर केन निकाल लेता हूँ। शुगर केन रखी कहाँ है, पहले तो लैदर ले लेते हैं कुछ को मार के। मैंने बोला था ना ये काम आएगा, ये काम बाद में। तो अभी मैंने ले ली, 2 मिल गए, चलो सही है। एक ही सही, हमें एक बुक चाहिए, बाद में और काम आएंगे, वो आगे जाके मैं बता दूंगा। तो ऐसे बनाते हैं बुक, सभी को पता है, नहीं पता होगा तो देख लो भाई। तो अभी एनचैनमेंट टेबल के लिए और तो डायमंड ही चाहिए ना। यप, तो अभी निकालते हैं अपने दो डायमंड निकालते हैं। पहले एक निकाल लें, एक भी दूसरा। चलो सारा सामान आ चुका है, अभी बनाते हैं अपना नेदर पोर्टल। तो गाइस बनाते हैं जल्दी से नेदर पोर्टल। तो अभी तो यहाँ पे ऐसे रखना है गाइस, तो ऐसे में मस्त लगेगा। तो इसे ऐसे से खुद से बनाते हैं, याद रखनी चाहिए रेसिपी। तो अभी बन चुकी है गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ इस सामने वाले पे ही बनाते हैं। अभी जल्दी से देख लो, फास्ट फॉरवर्ड, तो इन्जॉय करो। गाइस फास्ट फॉरवर्ड यहीं तक था। अभी मैं यहाँ पे कुछ लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे एंजॉइंट करते हैं, जिनको नहीं आता होगा, जो न्यू है माइनक्राफ्ट। तो भाई ऐसे रखते हैं लैपिस लजुई, और ये अपनी ये चीज़ें मिलती है पॉकेट एडिशन वालों के लिए। ये तो जावा वाले भी कर सकते हैं इससे, पर उनको थोड़ा कंट्रोल चला देते हैं, कोई नहीं। बट देख लो भाई, पॉकेट एडिशन वाले ब्रो जिनके पास मोबाइल है, कोई नहीं।
तो ऐसे करते हैं गाइस, जो अच्छा मिल रहा है और एक्सपी, ये अब हमारे एक्सपी के काम होंगे, तो बहुत जल्दी हमें वो भी बनाना पड़ेगा एक्सपी फार्म। तो अभी मैं सबको एंचाइन कर लेता हूँ, जो आपके पास एंचाइनमेंट है तो अपने को बैडेस बनाना चाहिए। तो देख लो गाइस ऐसे करते हैं एंचाइनमेंट, तो जो अच्छा मिलता है इसमें तो वही। तो अभी देखो गाइस मुझे ना सब कुछ 1 लेवल का मिल रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं बताता हूँ, अगर बुक शेल्फ लगाना है मुझे, बुक शेल्फ इसके और बुक शेल्फ लगाने से तब और इसकी पावर बढ़ेगी, तो हमें और अच्छी चीज़ें मिलेगी, बहुत ही तगड़ी चीज़ें, बैडेस बन जाएंगे हम, एनहेंस्ड कर देंगे ना हम एंचेंटमेंट टेबल से अपने टूल्स को, तो ओपी हो जाएंगे हम। तो इसलिए अभी मैं सारी चीज़ें कर दी है, तो अभी तो आएगा मज़ा गाइस, अभी हमने बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है। तो होप यार अपना चैनल भी ऐसे ही ग्रो होते रहे। तो अभी क्या करना था, हाँ पर मुझे ना यहाँ इस प्लेस में ना अच्छा नहीं लग रहा, पर मतलब एकदम सेंटर में होता तो बात थी, बट ये 2 डोर का है और उसमें एक डोर में होना चाहिए, बट क्या करें। तो अभी मैंने बहुत सारा सोचा है कि हाँ भाई कहाँ पर रखें, पहले अपनी पिकैक्स यहाँ पर रख लेते हैं, अच्छी लगेगी। ये बार बार निकालनी नहीं पड़ेगी, तो बाहर से ही फ्रेम से निकाल लूँगा अपन ने। तो अभी क्या था करना हमें, बस याद नहीं आ रहा। ओके याद करो, अभी अंदर चलता हूँ। ओके हाँ, तो ये फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने यहाँ से निकाला डोर, हाँ तो यहाँ से निकाला मैंने। देखो फास्ट फॉरवर्ड देख लो, क्योंकि अगर स्टोर रूम में यहाँ से मैंने बंद कर दिया, एक डिज़ाइन लगा दिया मैंने, अभी वो आपको दिखेगा, क्योंकि यार अच्छा नहीं लग रहा था यार बिना उसके। तो अभी ये भी इंजॉय करो, फिर उसके बाद में जल्दी से बताता हूँ जैसे ही फास्ट फॉरवर्ड खत्म हो जाएगा। कैसी है अपना डिज़ाइन, और उधर से मैंने गेट निकाल दिया स्टोरेज रूम से। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।